हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप आज कक्षा 10वीं गणित का पेपर देकर आ गए हो, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प चयन करना था, तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 91 एंड 21, यानी कि 91 और 21 का जो महत्तम समापवर्तक होगा क्या होगा, तो वो तो वैसे बच्चों क्या होगा, 7 होगा। लेकिन यहाँ पर सभी जो विकल्प हैं ये गलत दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। समीकरण निकाय यहाँ पर दिया है, और इसका हल क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो हो रही है वो ये है कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, यानी कि इसमें होगा कोई भी हल नहीं। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। द्विघात बहुपद x² + bx के शून्यकों का योग होगा, तो वो होता है बच्चों -b/a। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के व्युत्क्रम का मान होगा, तो क्या होगा बच्चों, वो शून्य होगा, शून्य आ जाएगा इसमें। उसके बाद वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो क्या होगी वो, तो यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिंदु 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आ जाएगा 5√2। उसके बाद अगले वाले पेज पर चलते हैं हम, और यहाँ पर शायद रिक्त स्थान दिए हैं। यहाँ पर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणित एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों a(b), यानी कि यहाँ पर ए बी लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर समीकरण दिया है और एक्स का मान दिया है, तो जो वाई का मान है वो क्या होगा, तो वाई का मान होगा बच्चों यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद वहाँ बहुपद जिसकी वहाँ 3 हो, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। वहाँ क्या कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा बच्चों त्रिघात बहुपद, क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि प्रथम पद ए एम सार्वभौमिक डी हो तो एनवा पद होगा, तो एनवा पद होगा बच्चों आपने पढ़ा होगा 5वें चैप्टर में a+n-1 × d आ जाएगा इसमें। उसके बाद एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है छेदक रेखा, क्या कहलाती है, छेदक रेखा, ठीक है। उसके बाद आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा वो πr² होगा बच्चों। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है, और यहाँ पर सही जोड़ी में जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है sec 90 - θ, तो इसमें आ जाएगा बच्चों cosec θ आ जाएगा। उसके बाद cos θ, तो cos θ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 - 1/sec θ। उसके बाद साइन जीरो की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। cos जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद अगला वाला जो है 1 upon tan²θ, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sec θ, क्या आ जाएगा, sec θ, और 1 - cos²θ का हो जाएगा sin θ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी हो गई है बच्चों। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर देना है, तो a = bq, तो a एवं b का संबंध क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा जो b है वो a का क्या है, भाजक है, ये लिख देना था आपको इसमें, b जो है a का क्या है, भाजक है, ठीक है। उसके बाद a, b और c वास्तविक संख्याएं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तब द्विघात जो समीकरण है बच्चों वो होगा x² + bx + c = 0 के रूप का होगा, ठीक है, इसमें ये लिख लेना था। उसके बाद समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, तो इसमें आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लिख देना, तो आपको नाम लिखना याद ही है बच्चों, पाइथागोरस लिखना है। उसके बाद सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा बच्चों बहुलक, क्या आ जाएगा, बहुलक, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों होती है शून्य, तो शून्य आ जाएगा इसमें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट ई का मान होगा, तो इसमें जो है बच्चों वन आएगा, क्या आएगा वन आएगा। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, सत्य में असत्य लिखना है बच्चों, तो फर्स्ट वाले में बच्चों सत्य आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में भी सत्य आ जाएगा, थर्ड वाले में आ जाएगा असत्य, और उसके बाद फोर्थ वाले में भी क्या आ जाएगा असत्य आ जाएगा, और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर भी असत्य आएगा, और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा सत्य आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वाले क्वेश्चन आप आपके नोटबुक में सोल्व कर सकते हो।